ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरंชัยवा नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे गीतं नष्ट भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनय च देवकी नंदनय नमो नमः हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद दसवा दशम स्कंद अध्याय संख्या दो इस अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और हम प्रारंभ कर रहे इस अध्याय को आज श्लोक संख्या एक एवं दो और साथ ही साथ तीसरे श्लोक पे भी चर्चा करेंगे तो कृपया दोहराइए श्री शुकवाच प्रलंब बकचानूर तृणावर्त महाशन मुष्टिकारीष्ठत विविधा पुतना कैषिधार्नुकाये हे अन्येष्चा चक्रे बलीमागधसमश्रया हे शब्दार्थ શ્રીશુકઉવાચ શ્રી શુકદેવ ગોસ્વામીને કહ પ્રલંબ પ્રલંબ નામક અસુર બક બક નામક અસુર ચાણૂર ચાણૂર્નામક અસુર તૃણાવર્ત તૃણાવર્તનામક અસુર મહાશનૈ અઘાસુર દ્વારા મુક नामक असुर अरिष्ट अरिष्टसुर असुर अरिश्टा। द्विध। द्विध जैसे, पूतना।, पूतना पूतना केशी केशी धेनुक धेनुरा च, तथा अन्यों द्वारा असुर पृथ्वी पर असुर राजाओं द्वारा बाण बाणासुर भौम भाउम, भौमासुर आदि भी इत्यादि के द्वारा युतः से सहायता प्राप्त करके यदुनाम यदुवंश के राजाओं का कदनम उत्पीड़न चक्रे नियमित रूप से किया बली अत्यंत शक्तिशाली मागध संश्र मगध के राजा जरासन के संरक्षण में अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरविंद स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा मगधराज जरासन के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा इसमें उसे प्रलंबा बक चाणुर तृणावर्त अघासुर मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनुक बानासुर नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था तात्पर्य इस लोक से भगवत था। श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता चार चौथा अध्याय सात और आठ श्लोक में आए श्री भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है यदा यदा ही धर्म ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्म सृजा्य हम परिराय साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे हे भरतवंशी जब जब धर्म का रहस्य होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ मैं पुण्यात्माओं का उद्धार करने दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूं इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य यह है कि वे हरेक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता श्री भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं अतः सब कुछ ठीक करने के लिए श्री भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं इसलिए कहा गया है गर्भम संचार्य रोहिणियाक्षिंग कृष्ण द्वितीय स्तु द्वितीये होना चाहिए एक्चुअली दूसरे अध्याय में द्वितीय विभुद स्तुत योग माया की शक्ति से श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए यदु सव्युत यदुवंशी सारे राजा भक्त थे किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे उस समय कंस का श्वसुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे किंतु अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे इसके पश्चात अगला श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे ते पीडितानि विविशियो कुरु पंचाल के कयान शालवान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलान अपी अनुवाद असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं पांचालो केकयों शाल्वो विदर्भो निषदो विदोहो विदेहो तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञान तिमिरंध से ज्ञानांजन चक्षुरोन मिलितम ये न तस्म श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वदातिक वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम विष्णुपादाय विष्णुपदा कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषून्यवादी पाश्चातणे नमो महाबान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण क्रिश्न चैतन्यना गौर नमः हे कृष्णकुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे हे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुवी प्रणमा हरिप्रि वाछाक तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा, 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 रामा हरे 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 कृष्णा तो प्रारंभ में मैं सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम करके आशीर्वाद की याचना करता हूँ आज दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से ये चर्चा प्रारंभ कर रहे तो खास करके श्रीमान शंकर सिनेताई गुरु से आशीर्वाद की अर्चना करता हूँ कि इस विषय पे उचित भाव से और परंपरा के श्रृंखला में कुछ बोल पाऊँ तो ये जो है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस अध्याय को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसमें श्लोक संख्या एक से तीन के ऊपर चर्चा करेंगे तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो है यहाँ पे जो कम्स के द्वारा यदुओं का कदन यानी उत्पीड़न विनाश ये जो प्रारंभ हुआ उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही तो खास करके इसमें लीला के दृष्टिकोण से मैं बोलना चाहता था तो इसलिए हिंदी में बोलने का निर्धारित किया क्योंकि थोड़ा ज्यादा आस्वादन होता है लीला अगर बोलनी है तो मतलब वो तो खैर हर एक पे निर्भर करता है लेकिन ज्यादातर दार्शनिक तत्वों को बोलने के लिए हम में से कई लोग अंग्रेजी में ज्यादा उसमें सुविधा का अनुभव करते हैं जब लीला बोलनी है तो फिर थोड़ा हिंदी में रस जो है ज्यादा आ सकता है मेरा निजी मत है ठीक है श्री शुकव बादशाह तो इस श्लोक में यदुओं के यदुओं पर जो अत्याचार प्रारंभ हुआ कम्स के द्वारा इसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे तो आप जैसे जानते हो पिछले अध्याय से ही ये विषय चल रहा है जब नारद मुनि के द्वारा बताया गया कम्स को कि उसका वास्तविक पूर्वजन का उनका क्या स्थिति था वो कौन थे जन्म में इसका वर्णन आया है पहले इसका खास करके वर्णन हरिवंश में आया है डिटेल में बहुत कि नारद मुनि ने जाके कम्स शांत हो गया था एक्चुअली जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने आश्वासन दे दिया कि सारे पुत्रों को मैं प्रदान कर दूंगा तो कम्स शांत हो गया था बहुत लेकिन नारद मुनि नारद मुनि ने सोचा रही है क्या हो रहा है तो नारद मुनि ने जाके कम्स को उकसाया इसका वर्णन हरिवंश में आया है इसके पहले श्लोकों में भी आपने देखा होगा वहां पे वो कथा बोली भी गई होगी है कि नहीं तो आत्मान इसके पहले जो सिक्सटी वर्ष पिछले अध्याय में था उसमें बोला है संजातम जानन प्राक विष्णुनाहतम महासुर सव्यरुद्य स्वयं को आत्मान संजातम जानन वो जाना जान चुका कम्स कि मैं एक्चुअली पहले जो काल था वही मैं अभी फिर से जन्मा हुआ हूं और पहले मुझे किसने मारा था प्राक हतम। ये भगवान विष्णु ने मुझे मारा था काल नेमी के उस देह में जब मैं था तो तो मैं वो महासुर शक्तिशाली काल नेमी था तो ये जब उसको पता चला ये चीज बताई गई उसको खास करके नारद मुनि के द्वारा तो यदु भी सव्यरुद्ध एकदम यदुओं को घोर विरोध करने का ठान लिया उस यदु भी यदुओं के साथ सव्यरुद्ध था एकदम घोर विरोध करने का उसने निश्चय कर लिया अभी इन योदो को छोड़ूंगा नहीं यू नो क्यों क्योंकि वो भगवान विष्णु के अनुगमन में रहते हैं इसलिए एक्चुअली तो उसी विरोध को यहाँ पे समझाया जा रहा है इन तीन श्लोकों में बोला जा रहा है श्रीदत्त स्वामी कहते हैं तम एवं प्रपंचयति उस विरोध का ही प्रपंच हो रहा है विस्तार हो रहा है यहाँ पे प्रपंचयति प्रपंच यानी जिसका विस्तार होता है <laughs> तो संसार में भी आ, आ, जो भौतिकतावादी ग्रह जीवन है उसको भी प्रपंच कहा जाता है प्रपंच क्योंकि उसका विस्तार होने वाला है वो संसार प्रपंच ये सारे शब्द समानार्थक है तो ये जो है आप जानते हो कम्स नारद को जब मिले आ, जब नारद मुनि आए मथुरा में आ, कम्स के शांत होने के पश्चात तो नारद मुनि ने उनको पूरी जो घटना है वो बताई कि सुमेरु पर्वत पे कैसे बड़ी सभा हुई और उस सभा में सब ब्रह्मा जी और देवता वगैरह सब एकत्र हुए और उसमें चर्चा चल रही थी चर्चा का विषय कौन आप कम्स आपका ही विषय चल रहा था तो मेरा मेरी क्या चर्चा चल रही थी कैसे मारना है आप हा? कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस रूप में जन्म लेगा और इस कम्स को नारद मुनि ने कहा ऐसे आप आपके निंदा और ऐसे आपका मृत्यु की चर्चा वहाँ पे हो रही थी इस प्रकार से क्या आप बोलो मत सब एकदम एक, एक मिलके सब बोल रहे थे इस कंस को तो मरवाना चाहिए ये कंस जो है एकदम तो नारद मुनि तो अगर नारद मुनि बचाना चाहते बताना चाहते तो आप समझते हो है किने? कैसे बताएंगे एकदम तो नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रेरित किया कंस को एकदम बता के पूरा कि कैसे उसके लिए सभा चल रही थी और देवकी का अष्टम गर्भ निश्चित रूप से तुम्हारा करने वाला है। और अष्टम गर्भ है उन्होंने कहा लेकिन वास्तविक ये लोग तो सारे यदु वगैरह आपके शत्रु ही है तो शत्रु के बारे में कुछ हमने सहिष्णुता का भाव नहीं रखना चाहिए शत्रु के प्रति तो एकदम उसका पूरा पूरा उन्मूलन करना चाहिए उच्छेदन करना चाहिए ऐसे तो मैं तो कहता हूं अष्ट अष्टम गर्भ जो है देवकी का वो तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण है लेकिन सभी गर्भों को उखाड़ दो नारद मुनि ने कहा एक्चुअली छोड़ो मत किसी को ये सब लोग जो है तुम्हारे शत्रु है और तुम इतना महाबली होते हुए ये सब तुम्हारे शत्रु यहाँ पे बैठे हैं तो नारद मुनि ने कहा सबका नाश कर दो किसी को मत छोड़ो सब तुम्हारे शत्रु है तो एकदम प्रेरित हो गया कम्स शांत हो गया था फिर से अभी अशांत हो गया एकदम ना और नारद मुनि ने तो एक चीज कही हरिवंश कहता है ऐसा में तदगता प्रीति यदर्थे यदर्थम आगता भुंजन ताम सर्व क्यों आया तुम्हारे पास यशा में तदगता प्रीति मेरी प्रीति है तुम में एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पास आए इसलिए तो ये सब बता रहा हूं कौन बताता है शत्रु क्या है तुम्हारा मित्र कौन है ये तो प्रीति वाला व्यक्ति बताता है ना ऐसे यदर्थे चाह चाहम आ गए इसलिए तो आया हूं मैं तुम्हारे प्रति मेरी इतनी प्रीति है करके इसलिए मैं चाहता हूं भुंजनताम सर्व कामार था तुम सारे कामों का भोगों का आनंद लो भुंजनताम उसको भोगते रहो ये मेरी इच्छा है इसलिए स्वस्थ्य अस्तु तुम्हारा कल्याण होवे ठीक है तो ऐसे सब कुछ बता के व्रजाम में हम अभी मैं जाता हूं ठीक है तो मैंने तुम्हें बता दिया है सूचित कर दिया और मैं चाहता हूं कि तुम आनंद से भोगों का आस्वादन करो ऐसे मरो नहीं <laughs> तो इसलिए कृपया तुम जो है इस चीज के ऊपर कार्य करो तुरंत तो कम जब इस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा बताया गया तो नारद मुनि चले गए फिर नारद मुनि का आदर सत्कार करके फिर वो चले गए तो हम हंसने लगा कम से एकदम जोर जोर से बोले नारद और निसारद एक्चुअली नारद बुद्धिमान नहीं है ये ना ज्यादा बुद्धि नहीं है नारद को ऐसा बोल रहे कम से है ना तो स्वाभाविक से कृष्ण को भक्तों को क्या समझेगा वो उसने कहा अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है कौन सी देवता में इतनी शक्ति है कि मुझे कुछ कर सकते हैं मैं तो इतना शक्तिशाली हूं मेरा कौन कोई देवता कुछ नहीं कर सकता है कितने भी मीटिंग करने दो कुछ भी करने दो देवता लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे लेकिन जो मेरे विरुद्ध इन्होंने शत्रुता का भाव रखा है उसकी वजह से इनको छोड़ूंगा नहीं एक बार तो इन सबको पीटा है मैंने एक बार हाँ कम्स ने परास्त कर दिया था सबको पहले ही देवताओं को लेकिन उससे सुधरे नहीं उसने कहा <laughs> इन लोगों को अभी फिर से पीटूंगा बहुत क्योंकि पहले से दिग्विजय करके आया था कम्स तो चिंता मग्न हो गया लेकिन एक और इस प्रकार से शत्रुता का भाव भी हो गया लेकिन दूसरी ओर चिंता मग्न भी हो गया क्योंकि उसने सोचा कि निश्चित रूप से मेरी मृत्यु अटल है जिन्होंने नारद मुनि ने कह दिया है अभी आठवा गर्भ जो है निश्चित रूप से शायद मेरी मृत्यु करेगा तो नारद मुनि पे गुस्सा भी हो गया थोड़ा बताया इसलिए उसको थोड़ा आनंद भी हुआ कि मतलब लगा कि नारद मुनि जो है मेरे लिए आके हित चिंतक की तरह बात कर रहे लेकिन गुस्सा भी हो गया नारद मुनि पे। क्या ये बोला नारद मुनि हमेशा सब में झगड़ा लगाते मैं अच्छे से वसुदेव और देवकी के प्रति शांत बैठा था अभी तो अभी फिर से आके ये झगड़ा लगा के गए केली कीलो विप्रो भेदशीलश्च नारद सुश्लिष्टान अपने भेदयन उन्होंने कहा क्या कहा ये नारद केली की लो इनको केली करने में बड़ा आनंद आता है इनको एकदम क्या केली की लो ये झगड़ा लगाने की केली झगड़ा लगाने में बहुत इनको आनंद आता है भेदशीलश्च बड़े भेदशील है भेद कर देते हैं किसी में भी एकदम सुश्लिष्टान अपनी स्मिन शांति से लोग जो अपने से एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं सुश्लिष्टान ये क्या कहते हैं भेदयन भेदयन इनको आनंद आता है रति मिलती है किसमें भेद करके उनमें भेद जो है ये करके तो इस प्रकार जैसे से नारद मुनि को भी थोड़ा आलोचना कर रहे थे लेकिन दूसरी ओर बड़े क्रोधित भी हो गए और उसके बाद में आप देखते हो श्लोकों में भी बताया कि कैसे उन्होंने ये जो बहुत आ, उत्पीड़न जो है प्रारंभ किया तब तक एक्चुअली देवकी वसुदेव को कैद भी नहीं किया था उन्होंने इसके बाद में बेड़ियाँ लगा के हथकड़ियाँ लगा के उनको जकड़ के बद्ध कर दिया तब तक जो है वो एक्चुअली दोनों भी मुक्त थे देवकी और वसुदेव क्योंकि उनका वसुदेव ने जो आश्वा, आश्वासन दिया था उसके ऊपर लेकिन इसके पश्चात उन्होंने क्या किया दोनों को कैद में डाल दिया यहाँ तक कि यही नहीं नारद मुनि ने और एक चीज़ बताई उनको उससे तो कम्स जो है पूरा हिल गया एकदम भौचक का रह गया ऐसे ये चीज़ उसको पता नहीं थी और जब ये पता चली तो कम्स इतना क्रोधित हो गया और इतना हताश भी हो गया क्रोधित भी हो गया बहुत सारे और क्या बताई ये चीज़ ये चीज़ हरिवंश में आगे के अध्याय में आती है जिसमें कम्स जो है वो जो कुवले या पीढ़ हाथी था उस हाथी के माहूत को एक बार अपना हार्ट रिविलेशन कर ददाती प्रति घृणा थी गुहमाख्या पृछती तो गुहमाख्या पृछती किसके साथ हो रहा है उसका माहुत के साथ वो कुवलया पीढ़ का जो माहूत था उसको तो उससे बात करते हुए बता रहा था मतलब ये आगे प्रसंग आएगा कृष्ण जब आते हैं मथुरा में आ? उस हनुर्यज्ञ के यज्ञ के महोत्सव पर।, पर तो कुवलया पीढ़ जो माहूत था उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उपदेश देते हैं कम्स की किस प्रकार से कृष्ण का वध करना है तो उस वक्त हरिवंश बताता है कि वहां पे उसने कम्स बताता है कि एक्चुअली ये यदुओं को कृष्ण बलराम को सबका वध कर दूंगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं उग्रसेन का भी वध कर दूंगा ऐसे तो फिर वो महोद पूछता है कि अरे उग्रसेन का क्यों वध करेंगे आप वो तो आपके पिता है ना तो फिर वो कम्स बताता है अरे नहीं उग्रसेन मेरे पिता नहीं है एक्चुअली तो कम्स जो है फिर वो स्टोरी बताने लगता है जब नारद मुनि आए थे तो नारद मुनि ने मुझे क्या क्या बताया तो एक्चुअली इस इस पर्टिकुलर विजिट में नारद मुनि का जो मिलन हुआ कम्स के साथ उसमें उन्होंने ये भी चीज बताई कि कम्स तो उग्रसेन का पुत्र है ही नहीं तुम्हारा पिता कौन है? द्रुमिल, है द्रुमिल नाम का दानव तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो ही नहीं उग्रसेन की जो पत्नी थी पद्मावती वो पद्मावती उनकी माता थी कम्स की और उग्रसेन मेरे पिता है ऐसा कम सोचता था लेकिन एक्चुअली उग्रसेन तो उसके पिता थे ही नहीं तो कम सुन के तो हैरान हो गया नारद मुनि साहब क्या बोल रहे हो आप मेरा पिता कौन है फिर अगर मेरी माता का उग्रसेन जी से विवाहित है तो फिर ऐसा दुष्कर्म कैसे हुआ उनसे तो इसका पूरा वृत्तांत सुनाइए तो फिर नारद मुनि ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से एक दिन जो उग्रसेन है उनकी पत्नी थी वो पद्मावती सुयामुन पर्वत पर चली गई अपनी कुछ सहेलियों के साथ सुयामोन पर्वत पर विचरण करने के लिए चली गई और फिर वहाँ पे विचरण कर रहे थे तो वहाँ पे बड़ा ऐसा सुंदर वातावरण था एकदम रतिक्रीड़ा के लिए अनुकूल ऐसा वातावरण था और वहाँ पे ये दानवराज द्रुमिल आ गया सौभ नाम के विमान का अधिपति था बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था द्रुमिल दानव बड़ा शक्तिशाली महाबली था और वो भी विचरण कर रहा था वहाँ पे तब उसने पद्मावती को देखा और स्वाभाविक है असुर दानव का, का स्वभाव कैसा होता है तो बड़ा कामी था ये और पद्मावती को देख के उसके मन में बहुत आ, काम वासना जो है जागृत हुई और बड़ा छलिया भी था ये तो इसने क्या किया आ, जो उग्रसेन है उनका रूप धारण किया और उग्रसेन का रूप धारण करके उसने पद्मावती के साथ समागम किया जिसके कारण एक्चुअली कम्स जो है उसकी उत्पत्ति हुई तो जब इस प्रकार से उग्रसेन का रूप धारण करके उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया तो स्वाभाविक रूप से कृत्य के पश्चात तो समझ गई ये जो कम्स की सॉरी उग्रसेन की पत्नी है कि ये ये तो व्यक्ति मेरा पति नहीं है करके तो बहुत रोष बहुत गुस्सा आ गया उसको और बहुत पीड़ित भी हुई क्योंकि पतिव्रता नारी थी बहुत तो इस प्रकार से इसने दुष्कृत्य करने के बाद उसकी निंदा करने लगी धिक्कार करने लगी इस द्रुमिल का बहुत धिक्कार किया उसने कड़े शब्दों में उसका ताड़न किया कस्यत्वम विकृताचारो ये नास्मी मलिनी कृता एकदम बहुत पीड़ित होकर उसने कहा कि कस्य तो मरे अरे किसका है तू तो किसका पुत्र है द्रुमिल को कहा विकृताचारो ऐसा विकृत आचार किया है तूने ये मलिनी कृता जिससे मुझे मलिन कर दिया तुमने किसका पुत्र है तू एकदम ऐसे एकदम घृणा से आ, आ, उस उग्रसेन की पत्नी ने बोला कस्य कस्यत्वम तो द्रुमिल ने कहा कि कस्य तुम मुझे पूछती हो कस्य कस्यत्वम क्योंकि ये तो द्रुमिल तो दानव स्वभाव का था ना बोला तू बहुत सती नारी की तरह घूम रही है वगैरह मुझे पता है कितनी सती नारी है वगैरह हालांकि उग्रसेन की पत्नी तो सती थी लेकिन तो भी ये दानव का स्वभाव ही है हर एक स्त्री को कैसे देख रहा है वो जैसे मानो असती है करके तो उसको ही डांटने लगा बोला मुझे पूछती हो कस्य कस्यत्वम कस यच्छा हम त्वक्तो मत्त काशिनी कंसस्त रिपु रिपुध्वंसी तव पुत्रो भविष्यति कस्यत्वम किसका है तू किसका है तू पूछ रही ना तेरे पुत्र का नाम कम्स होगा और ऐसा ये जो कम्स है वो सारे शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा रिपुध्वंसी तो मैं एक महादानव बली हूँ मतलब बहुत बली हूँ महाबली हूँ शक्तिशाली हूँ तो मुझसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कम्स नाम का बड़ा शक्तिशाली होगा तो क्यों तुम तो इतना विलाप कर रही हो ऐसे तो स्वाभाविक है दानों का स्वभाव होता है तो इसकी वजह से उसको इसमें कुछ दुष्कृत्य नहीं कर रहे कर, लग रहा था लेकिन इस प्रकार से चूंकि ये एकदम अधार्मिक था इसलिए वो जो उग्रसेन की पत्नी है उसने शाप दे दिया एक्चुअली उसने कहा कि ये जो मेरे गर्भ में तुमने पुत्र उत्पन्न किया है इसके प्रति मेरी कोई प्रेम मेरा कोई आदर नहीं रहेगा क्योंकि ये अधर्म से उत्पन्न हुआ है और दूसरा मेरे कुल में जब भगवान अवतार लेंगे आगे चल के क्योंकि ये पता था उग्रसेन यादव है और यादव कुल में भगवान आगे अवतार लेंगे करके वसुदेव भी आनक दुंदु भी नाम से प्रसिद्ध है वसुदेव के जन्म के वक्त भी या नगाड़े बजे थे क्योंकि आगे उनके कुल में भगवान आने वाले हैं करके तो उन्होंने कहा कि ये जो भगवान है वो मेरे कुल में जो उत्पन्न होंगे उग्रसेन जी के यादव कुल में तो वे तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेंगे मैं शाप देती हूँ उसने कहा एकदम तो ऐसे एकदम कड़े शब्दों में एकदम दुख से पीड़ित होकर रोष से समन्वित उसने शाप दे दिया कम्स को और द्रुमिल को भी और इसके पश्चात वो मथुरा चली गई तो इसीलिए जब ये कम्स मतलब उत्पन्न हुआ तो ये एक्चुअली द्रुमिल का पुत्र था तो इस चीज को ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया था लेकिन नारद मुनि ने आके यहाँ पे प्रकाशित कर दिया कम्स को कि तुम द्रुमिल के पुत्र होकर तो ये सुन के इतना कम्स को गुस्सा आया तो इसके बाद उसने अपने पुत्र या, जो अपने पिता जो थे उग्रसेन उनको भी कैद किया नहीं तो उग्रसेन के प्रति तो उसका थोड़ा ठीक है वो तो राजा बनना चाहता था इसलिए पहले से उग्रसेन को हटा के वो राजा तो बन गया था लेकिन उग्रसेन को कैद भी कर दिया उसने एकदम उग्रसेन को कैद करके सब पे अत्याचार करने लगा तो माता के प्रति तो वो उसका उसका था नहीं कुछ ज़्यादा स्नेह लेकिन जो पिता के प्रति था वो भी स्नेह चला गया क्योंकि उसको पता चला कि ये किस प्रकार से उसका इतिहास है करके तो इसलिए उसने उग्रसेन को भी कैद करके सबके ऊपर सारे यदुओं के ऊपर अत्याचार करना जो है वो प्रारंभ किया तो ये इस प्रकार से हम लोग इस श्लोक में श्लोक तक आते हैं कि क्यों इस प्रकार का अत्याचार जो है खास करके किस कारण उसने प्रारंभ करना शुरू किया तो इन दो श्लोकों में खास करके ये बताया गया है यदुनाम कदनम चक्रे यदुओं का कदन करना जो है वो प्रारंभ किया उसने तो किन कौन कौन से उसके साथी थे हुँ? सारे असुरों के हाँ? शुद्ध नामों का यहाँ पे उच्चारण है नाम संकीर्तन हो रहा है असुरों के नामों का संकीर्तन हो रहा है तो कौन कौन उसके साथी थे ये बताया जा रहा है प्रलंब बक चानुर तृणावर्त महाशन महाशन कौन था अघासुर बड़ा प्रसिद्ध था खाने के लिए बहुत कुछ न? जो भी है भक्ष भक्षण करता था सर्वभक्षी महाशन मुष्टिक अरिष्टासुर द्विविधा आप जानते हो पूतना केशी धेनु कई के, तो ये सब उसके साथी बताए गए अन्यश्च और भी थे ये नहीं थे सिर्फ अन्य भी थे बहुत सारे जैसे अन्य योमासुर था या एक अग्निदानव था और भी बहुत साथी थे तो उनको भी गिनाया गया है और साथ ही साथ असुर भूपालई जो ऐसे राजा जो कि वास्तविक असुर ही थे लेकिन केवल राजा के आ, मतलब एक राजा की तरह घूम रहे थे सॉन्ग लेके थे राजा का लेकिन एक्चुअली असुर ही थे असुर भूपाले जैसे बाणासुर भौमासुर शाल्व आदि सब इसमें आएंगे काल्यवन ये सब कुछ तो बाण भौमादि भी युत युत मतलब उनके साथ सराउंडेड बाय देम वृत युत मतलब यदुनाम कदनम चक्रे बलि माघद संश्रय तो इस प्रकार से इस बलि कम्स ने महाबली शक्तिशाली कम्स ने जो कि माघद संश्रय भी कहा गया जो कि जरासंध के आश्रय में था हुँ? मागद मगधराज जो जरासन था उसके संरक्षण में इसने यदुओं को बहुत उत्पीड़न किया तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे भगवान जो है उनके आविर्भाव के लिए एकदम ये जो उचित घड़ी थी यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव थी भारत प्रभुपद जी जो है मुद्दा कह रहे हैं कि धर्म का रास और अधर्म की प्रधानता होती है तो भगवान जो है इस जगत में अवतार लेते हैं तो वैसे ही इस ये स्थिति भी बिल्कुल वैसे ही थी तो इसलिए भगवान का आविर्भाव एकदम अभी उचित था क्योंकि सारे यदुओं का इस प्रकार से जो भक्त है भगवान के उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा था और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो अध्याय का परिचय करने वाला श्लोक है वो भी यहाँ पे बोला है आप देखोगे ये श्लोक जो है गर्भम संचार्य रोहिण्याम देव क्या तस् कुी गृष्णो द्वितीय द्वितीये स्तुतः तो ये जो है शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का श्लोक है जिसमें वो इस अध्याय के कंटेंट्स बता रहे हैं तो क्या है इस अध्याय में रोहिण्याम गर्भम संचार्य जो सातवा गर्भ है उसको रोहिणी के गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित करके जो पहले किसमें था देवक देवकी का सातवा गर्भ रोहिणी में स्थलांतरित करके कौन कर रहा है ये कार्य देव माय या योग माय योग माया के द्वारा जो देवकी के गर्भ में सातवा गर्भ है उसको रोहिणी में स्थलांतरित करके भगवान तस्याम कुक्षिम गतह भगवान जो है देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तो ये द्वितीय विभुद स्तुतः इसको द्वितीय अध्याय में बोला गया है और विभुधा खास करके वे भगवान जो है देवताओं का वो वो जो भगवान है आ, उनकी देवताओं के द्वारा स्तुति जो है वो यहाँ पे की गई है विभुध देवताओं को विभुत कहते हैं अब जानते हैं है कि नहीं तो देवताओं के द्वारा यहाँ पे इस द्वितीय अध्याय में स्तुति हो रही ये विषय है तो बड़े सुंदर विषय है एक्चुअली यहाँ से आगे भी अलग अलग भक्त चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत तो बहुत सारी चर्चा हो रही है इसमें खास करके यहाँ से आगे जो विषय आएंगे रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरण देव की से वगैरह कृष्ण संदर्भ में बहुत चर्चा हुई है इसकी ये सारे विषयों की तो आप में से जो भी इस अध्याय के श्लोकों की बहुत सारी चर्चा कृष्ण संदर्भ में है और फिर इसके पश्चात गर्भस्तुति तो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है उसकी तो बहुत चर्चा है वो तो हर एक एक, एक श्लोक को भक्ति संदर्भ कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है तो इसलिए वहां से बहुत सारे विषयों का वहापोह जो है हो सकता है खास करके भगवान कृष्ण कैसे के केश अवतार नहीं है विष्णु के केश के अवतार जो विष्णु पुराण का बड़ा प्रसिद्ध वर्जन है आ? उन सारे विषयों का आगे बहुत शिलजी गोस्वामी ने उहापोह किया है उसके अंतर्गत तो आज के इस सत्र में तो स्वाभाविक परिचय के रूप में ही भगवान परिचय के रूप में ही ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला है तो मैं भी आ, खास करके इन सारे असुरों के बारे में और कम्स के दिग्विजय के बारे में कुछ बोलूंगा बचे हुए समय में हमारे पास जितना भी है क्योंकि यही इस आ, आ, श्लोकों का मूल विषय है अगर आप देखोगे तो मागध संश्रय और फिर ये सारे असुरों से युतः इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा आगे के श्लोक में जो दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक है उसमें यही बताया है कि ते पीड़िता निविविशु वे इस प्रकार से यदु जब पीड़ित हो गए भगवान से तो निविविशु सारे बस गए नितराम विविशु व निभृतम विविषु मतलब बस गए वो जो है यहाँ वहाँ जाके सेटल हो गए कहाँ पे सेटल हो गए कुरु शालवान विदर्भान निषदान विदेहान विदहान तो यदु ने क्या किया जो मथुरा है शूरसेन आदि है उसको त्याग के वे चले गए जैसे शाल्व विदर्भ निषद आदि इन प्रोविंसेस में इन सारे प्रांतों में चले गए दूर दूर तक चले गए एक्चुअली यदु इतने डर गए कम्स के अत्याचार से वगैरह तो ये सारे बहुत अलग अलग जगह पे चले गए विदर्भ महाराष्ट्र में एक्चुअली विदर्भ तक चले गए आप सोचिए यहाँ से और फिर निषधान एमपी में है मध्य प्रदेश में निषद आता है। विदेह बिहार में है कौशल अयोध्या क्षेत्र वहाँ तक चले गए ये सारे यदु जो है इस प्रकार से कमस का अत्याचार चल रहा था तो सारे इन चीज़ों को गौड़ीय वैष्णव अभिधान में भी हरिदास दास जी ने बोला है हरिदास दास नाम के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध विद्वान है काफी बड़े विद्वान है हरिदास दास और उन्होंने गौड़ीय वैष्णव अभिधान नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें गौड़ीय वैष्णव से संबंधित सारी टर्म्स संज्ञाओं को उन्होंने बताया है एक्सप्लेन करके सारे गौड़ीय वैष्णव से संबंधित मतलब आप गौड़ीय वैष्णव तत्वज्ञान में कोई शब्द ले लीजिए उस शब्द का गौड़ीय दर्शन में क्या अर्थ है इसको उन्होंने बोला है गौड़ी वैष्णव अभिधान में इस ग्रंथ में तो बड़ा कई वॉल्यूम है इसके लेकिन वो जो है है बहुत सारा उसमें से काफ़ी अभी लुप्त भी हो चुका है, प्रकाशित नहीं है पूरा लेकिन गौड़ी वैष्णव अभिधान भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य से ज्ञान लेके हरिदास दास जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था गौड़ी वैष्णव अभिधान जो है तो उसमें एक एक चीजों का बड़ा विस्तृत विवेचन है खास करके सारे ही लीलाओं के प्रति भी हो या तत्व के प्रति भी हो तो उससे भी ये चीजें पता चलती है ये सारी प्रोविंसेस और कहाँ पे कौन से यादव बस गए और वैसे वो किस प्रकार से वो जाने जाते थे ये अगले श्लोक में भी इसी श्रृंखला का आधा पार्ट जो है अगले श्लोक का वो इसी को दर्शाता है तो एक्चुअली ये सेम थीम साढ़े तीन श्लोकों में है ये के तम अनुरुधाना ज्ञाता है हतेशु बालेशु से दूसरा विषय शुरू हो रहा है लेकिन तब तक एकेतम अनुरुधाना तक यही विषय चल रहा है तो अगले श्लोक का आधा भाग भी है तो ये इसी श्लोक इसी थीम के बारे में बता रहा है कि कुछ कुछ उन यदों में कुछ कुछ लोग जो थे वो लोग क्या किए एकेतम अनुरुधाना वो कम्स के अनुवर्तमान बन गए कम्स को फॉलो करने लगे कम्स के सेवक बन गए ज्ञातः परयुपाषदे कम्स की पर उपासना करने लगे कुछ कुछ तो क्यों ऐसे करने लगे जीव गोस्वामी कहते स्वार्थम अपेक्षमाना क्यों क्योंकि वो जो है केवल राह देख रहे थे कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे इसलिए कृष्ण आने तक बस अभी इस कम्स से कैसे तो भी बच के रहेंगे कम्स जो है उसकी सेवा में भी क्यों ना हो ऊपरी ऊपरी ढंग से जैसे अक्रूर आदि अक्रूर आप जानते भगवान के शुद्ध भक्त लेकिन तो भी कम्स की सेवा में वहाँ पर रुके हुए थे अनुवर्तमाना अनुरु ये सिर्फ सोचते हुए कि कृष्ण आएंगे कृष्ण की राह देखते हुए और अगर हम यहाँ पे नजदीक रहेंगे तो कृष्ण की गोकुल वृंदावन की लीलाओं को सुन पाएंगे ऐसे करके कुछ ज्ञाति जो है मतलब कुछ सूर्य जो है यदु है वो वहीं पे रह गए ये बात बताई जा रही तो ये जो कम्स था वो माघ संश्रय इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि एक्चुअली कम्स देखा जाए तो जो कम्स के दिग्विजय का वर्णन है वो गर्ग संहिता में आता है बहुत कैसे इन असुरों को परास्त किया उसने सारे आ? इन सारे के ही है इन सारे से वो, वो सारे साथी कैसे बन इसका इतिहास आता है गर्ग संहिता में तो गर्ग संहिता को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने नवद्वीप महात्म्य में कोट किया है तो ये एक आ, आ, अधिकृत ग्रंथ है जिसमें 20 से भी ज्यादा बार शिल भक्ति ठाकुर ने गर्ग समिता से उल्लेख किया हुआ है साथ ही साथ राघव पंडित का भी बड़ा एक प्रसिद्ध बुक है कृष्ण भक्ति रत्न प्रकाश तो उसमें भी एक गर्ग समेता का उल्लेख आता है पंडित अर्थात कुछ विद्वानों का कथन है कि राघव पंडित ये जो है ये हमारे राघव पंडित नहीं है राघव पंडित और दमयंती चैतन्य चैतामृत वाले तो वो कहते हैं कि ये दूसरे राघव पंडित है बट लेकिन जो भी हो कृष्ण भक्ति रत्न प्रकाश नामक ग्रंथ में भी इसका गर्ग समिता का उल्लेख आता है तो विनोद ठाकुर से भी ये उद्धृत होने की वजह से उससे मैं कुछ डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो जो कम्स था वो पिछले जन्म में काल नेमी था है कि नहीं और काल नेमी का वध किसने किया भगवान विष्णु ने इसका वर्णन अष्टम स्कंद में भी आता है भागवतम में आपको पता ही होगा जो क्षीर सागर का मंथन है उसके एपिसोड में काल नेमी के वध का वर्णन आता है तो जब इस प्रकार से भगवान ने वध किया कम्स का तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने उसको पुनः जीवित किया तो वो जो काल नेमी है पुनः जीवित हुआ तो पुनः जीवित होने के बाद में उसका भगवान विष्णु के प्रति स्वाभाविक रूप से भगवान विष्णु और भक्तों के प्रति बहुत द्वेष का भाव था और वो जो चाहता था उनका विनाश करना चाहता था तो उसने जाके बड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी के पास जाके मतलब ब्रह्मा जी के कृपा याचना करते हुए बहुत तपस्या की तो ब्रह्मा जी जो है उसको प्रकट हुए तो वहां पे फिर काल नेमी ने वर मांगा उनसे कि कोई कोई भी भी देवता हो या फिर अन्य अन्य महाशक्तिशाली व्यक्ति मेरा वध कर पाए देखो विष्णु भगवान से तो मृत्यु नहीं होगी ये वर नहीं दे सकते ब्रह्मा जी है कि नहीं ये वो जानता था तो काल नेमी ने वैसा वर मांगा भी नहीं कि भगवान विष्णु से मैं ना मारा जाऊं करके क्योंकि वो जानता था ब्रह्मा जी नहीं कर सकते वो भगवान विष्णु जो है सबसे परम है करके तो उसने कहा कि ठीक है भगवान विष्णु से बच के रहूंगा लेकिन अन्य देवताओं से किसी से मेरा वध नहीं होना चाहिए हु? सारे देवता एक साथ आके भी हो या अलग अलग हो मुझे ना मार पाए ऐसा वर जो है ब्रह्मा जी को उसने मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हें वर तो मिलेगा लेकिन थोड़ा कालांतर के बाद मिलेगा अभी थोड़ा तुरंत नहीं मिल सकता ये तुम्हारे सारे कर्मों के अनुसार और जन्म के अनुसार तुम्हारे दैव ये वर अभी नहीं है कालांतरा कालांतरे ते प्राप्त सियात तुम्हें ये जो है कालांतर में प्राप्त हो जाएगा तो कालांतर यानी वो एक्चुअली अगले जन्म में कम्स के रूप में उसको वो वर जो है प्राप्त हुआ तो कम्स जो है एकदम शुरुआत से ही छोटा बच्चा था तब से ही कुश्ती लड़ाता था हर एक को पकड़ के ऐसे एकदम शुरू कर देता था चल कुश्ती खेलेंगे अगर कौमारेपी महामल्ले सततम स यो ये गर्ग संहिता कहता है कि कौमर काल में कौमर यानी क्या एक से पांच साल की आयु में पकड़ पकड़ के बड़े बड़े मल्लों को भी दौड़ा था एकदम युद्ध करता था चलो युद्ध करो मेरे साथ तो मल्ल युद्ध का बहुत उसको उत्साह उस था ऐसे युद्ध का प्रेमी था तो ऐसे ही मथुरा में पकड़ पकड़ के जहा तहा अखाड़े बनाए गए थे और अखाड़ों में कम्स जो है बड़े बड़े मल्लों को बुला के एकदम चुनौती देता था उनके साथ युद्ध करता था तो एक बार ऐसे हुआ कि जरासन जो है वो दिग्विजय के लिए निकल चुका था और वो जो मथुरा में है उसने मथुरा में आके अपना डेरा डाल दिया तो मथुरा में छावनी बना दी और जरासंत की सेना में प्रसिद्ध हाथी था एक्चुअली वो जरासंत की सेना में था और ये इतना विशाल हाथी था सौ सौ नहीं हजार हाथियों का बल था कुपीढ़ में बहुत शक्तिशाली था एकदम और उसको जरासंध ने अपनी सेना में जो है रखा हुआ था ऐसे तो एक बार ऐसे हुआ कि सेना में जब उसको बांध के रखा था सारे सा, सांखलों से वगैरह लेकिन उसने तोड़ दिया सारा वो चेन सांखली वगैरह और दौड़ते हुए मथुरा में उत्पात मचाने लगा सारे घर फोड़ दिए नो प्रसाद फोड़ने लगा पर्वत फोड़ने लगा बहुत शक्तिशाली था कुबला या पीढ़ एक्चुअली ऐसी गर्जना करता था इतनी गर्जना करता था कि उससे देवता भी भयभीत हो जाते थे शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं देवताओं को अस्वपना कहते हैं अस्वपना अस्वपना यानी देवता कभी सोते नहीं एक्चुअली देवता जो है सोते नहीं है हमेशा जागृत रहते हैं हमेशा देखते रहते हैं ऐसे आनंद भोग भोगते रहते हैं सोएंगे है कि नहीं तो अस्वप्ना बड़ा प्रसिद्ध अस्वप्ना नाम है देवताओं का जैसे आ, आ, ये जो भूमि सूक्त है उसमें भी अथर्ववेद से याम रक्षंती अस्वप्ना विश्वदानिम देवा नो, ऐसे कहते हैं तो अस्वपना याम रक्ष जिस भूमि को देवा देवता रक्षण करते हैं ऐसी उन भूमि को भूमि सुप्त तो ऐसे ये अस्वप्न जीव गोस्वामी कहते थे क्यों थे क्यों सोते नहीं थे कुवलया पीठ के डर से सोते नहीं थे वो कहते इतना कुवल या पीठ चित करता रहता था गर्जना करता रहता था कि जीव गोस्वामी उत्प्रेक्षा करते हैं कि उसके भय के कारण सोते नहीं थे इस प्रकार से क्योंकि आसुरी भी था बहुत असुर स्वभाव का भी था तो इसलिए हमेशा उससे भयभीत रहते थे कुवल या पीठ से तो जब ये सब वो सांकलों को तोड़ के चला गया एकदम उस मल्लशाला में पहुंचा जहां कम्स कुश्ती लड़ रहा था मल्लों के साथ में एकदम तो जैसे ही कोलाया पीड़ को देखा बाकी मल्ल तो भाग गए सारे तो कोलाया पीड़ भागो भागो इधर से मरना नहीं है किसी को लेकिन कम्स जो है वो डरा नहीं कम्स ने उसकी सूंड को पकड़ के घुमाया उसको एकदम एक हजार हाथी का ना मैं दस हजार हाथी वाला हूँ दस हजार हाथी का भला ऐसे घुमा के उसको पटक दिया एकदम कोलाया पीड़ को नीचे कोलिया एक पीड़ एकदम गुस्सा होके फिर से आया फिर तो उसको दोनों पैर पकड़ लिए ऐसा घुमाया उसने, ऐसा घुमाया फेंक दिया उसको तो जब जरासंध दे ने देखा किसने को फेंका ऐसा रे इतनी शक्ति को फेंक दिया किसने तो फिर न्यूज तो पता तब तक चली गई थी महाबली कम्स का काम है करके पहले जाके जरासन कम्स से मित्रता कर लिया बोला तू तो इतना महाबली है, तूने इस तू पेड़ को फेंक दिया तो आज से हम लोग जो है सगे संबंधी बनेंगे <laughs> तो फिर कम्स को वहां पे अस्थि और प्राप्ति जरासन ने अपनी दो पुत्रियां जो है उसका विवाह कर दिया वहां पे इस प्रकार से अस्थि और प्राप्ति का विवाह कम्स के साथ हुआ और दोनों श्वश और जामात्र जमाई ससुर जमाई बन गए दोनों जो है एकदम कैसे बहुत शक्तिशाली है कोई तो फिर उससे लड़ने में मुद्दा नहीं है कुछ है कि देखिए थोड़ा दोस्ती बना लो ऐसे तो इस प्रकार से जरासन ने उससे दोस्ती बना दी एकदम मित्र बन गए दोनों इतना ही नहीं एकदम उसको प्रसन्न करने के लिए पारिबरह उपस्कर या दहेज में एक लाख घोड़े दे दिए उसको और कुअल या पीड़ जैसा नहीं लेकिन ऐसे बड़े बड़े हाथी एक लाख हाथी भी दे दिए एक लाख घोड़े एक लाख हाथी तीन लाख रथ दे दिए और साथ में अस्थि प्राप्ति की सेवा के लिए दस हजार दासियाँ भी दे दी ऐसा पूरा दहेज दे दिया तो एकदम खुश कम्स जो है आज से मित्रता तो ऐसा मागध शमश बन गया कम्स जो है मगध राज का क्योंकि सगा संबंधी बन गया तो स्वाभाविक रूप से कम्स का और उन दोनों की मित्रता हो गई हुँ? और सुरद बन गए उसके कारण तो फिर दोनों भी शक्तिशाली थे जरासंधन खुद इतना महाबली था शक्तिशाली था तो इसलिए कोई फिर उनके सामने जो है विरोध करने के पात्र नहीं था विरोध करने का कोई साहस नहीं कर रहा था और फिर इसके पश्चात कम्स के का भी बहुत वर्णन होता है, एक एक जो असुर है, उस सब को उसने परास्त करके अपने आ, सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया तो द्वंद्व युद्ध करता था बहुत हाँ उसको कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था तो सीधा कुश्ती लड़ने के लिए वो चला गया माहिष्मीपुरी तो माहिस्मती प्रसिद्ध है नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति का जो राजा था उसके पांच पुत्र थे और बड़े प्रसिद्ध मल थे पांचों के पांचों चानूर मुष्टिक शल तोशल और कूट तो ये जो पांच मल्ल कम्स के पास आए ये महिष्मीपुर से आए एक्चुअली महिष्मतीपुर के राजा के पुत्र थे तो जब कम्स वहाँ चला गया तो एकदम द्वंद्व युद्ध करने के लिए उसने चुनौती दे दी सबको और उसने खास करके इस पांचों मल्लों का नाम सुना था तो उसने कहा कि आप सबसे मैं युद्ध करना चाहता हूँ और अगर आप हारे तो आप मेरे सेवक बनोगे और मैं हारा तो मैं आपका सेवक बनूंगा ऐसे तो मल्ल लोगों का तो उत्साह रहता ही है है कि नहीं कोई चुनौती दे रहा है कैसे पीछे हटेंगे तो एक एक ने आगे आके कम्स से बोले यस हम लोग करेंगे द्वंद्व युद्ध तो चानूर जैसे ही आगे आया कम्स ने तुरंत उसको उठा के हवा में ऐसा पटक दिया एकदम चानूर को तो एक्चुअली चानूर मुस्टिक की मतलब बाद में पिटाई होने के पहले ये कम्स से पिटाई हो गई थी सबकी एक्चुअली कम्स मतलब बाद में तो कृष्ण बलराम पिटाई करेंगे है कि नहीं इस सारे असुरों को पहले कम्स ने पीटा था एक बार तो कृष्ण बलराम से जो पिटाई हो रही है वो बाद में हो रही है और भी ऐसे लेकिन कम्स ने इन सबको परास्त कर दिया था तो चानोर को उठा के पटक दिया एकदम मुष्टिक मुष्टि मारने में बड़ा प्रसिद्ध था ऐसे दौड़ के आया मुष्टि मारने के लिए मुक्का मारने के लिए तो कम्स ने उसको ऐसे खड़े फाट मुक्का दे दिया है सीधा घूमते हुए नीचे

हार गए तो क्या है अभी कम्स की सेवा करनी है तो ठीक है अभी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना ये तो तब के मल्ल है ऐसे नहीं 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 हम हारे तो भी नहीं मानेंगे ऐसे नहीं स्वीकार करना ही हार गया मतलब अभी निश्चित रूप से सेवक बनना है तो तब से वो भगवान तब से वो जो है कम्स के सेवक बन गए तो उनको लेके अभी आगे बढ़ा उनको लेके चला गया प्रवर्षन पर्वत पर प्रवर्षन पर्वत पर कौन रहता था द्विविध रहता था द्विविध तो जो रामायण से द्विविध और महिंद आप जानते हैं तो उसमें से द्विविध जो है ये दोनों भाई में से द्विविध वो प्रवर्शन पे रहता था और बानासुर के संघ से नरकासुर जो है वो अशुद्ध हो गया मतलब नरकासुर भगवान के भक्तों के प्रति बहुत शत्रुता का भाव रखने लगा और नरकासुर के संघ से द्विविध प्रदूषित हो गया तो बानासुर ओरिजिनल कॉस है ए टू बी एंड बी टू सी तो बानासुर से नरकासुर दविषित हुआ दूषित हुआ और हालांकि पृथ्वी का पुत्र था नरकासुर और फिर नरकासुर के कारण यह द्विविध जो है हालांकि रामचंद्र के प्रति बहुत भक्ति का भाव था लेकिन लक्ष्मण के प्रति बहुत अनादर का भाव था उसके कारण उसका ऐसा पतन हुआ शिव विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर लिखते हैं इसको अपनी टीका में जीव गोस्वामी भी महेंद्र द्विविद का तो वहां जाके उसने उनके साथ भी युद्ध किया बीस दिन युद्ध किया के साथ, और युद्ध मतलब क्या? वो लोग ऐसे पर्वत उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंक रहे थे द्विविद जो है ऐसा पर्वत उखाड़ता था, था और फेंक देता था, था सीधा तो कम्स उसको पकड़ के फिर उसके ऊपर फेंकते थे तो जितना द्विविद ने हमला किया उसको उसी पर्वतों को उखाड़ के कम्स ने उसको ही मारा एकदम अंत में द्विविध एकदम आके मुष्टि प्रहार करने लगा जोर से लेकिन कम्स तो मुष्टि प्रहार का एकदम मतलब मुष्टि युद्ध का चैंपियन है कि नहीं उसने ऐसा मुष्टि लगाया एकदम मुस्टिम जो है पूरा जमीन पे मूर्छित होके गिर गया और हड्डिया वगैरह टूट गई बेचारे का फ्रैक्चर हो गया सब द्विविद का तो द्विविद बोला ठीक है मैं सेवक आपका स्वीकार करता हूँ तो ऐसे द्विविद को परास्त किया वहां से फिर वो ऋषमुख वन में चला गया इन सब को लेके आ ये सब फौज लेके दिखाने के लिए देखो किस किस को दो डाला है मैंने ऐसे कर तो ऋषि वन में चला गया वहाँ पे केशी केशी था तो केशी को भी एकदम मुष्टि प्रहार से इतना पीड़ित किया इतना उसको दुलाई की उसकी केशी बोला जो करना है करो मारो मत मुझे बस एकदम तो बोले चलो तुम्हें अभी तुम पे सवार होके मुझे जाना है महेंद्र गिरी महेंद्र पर्वत पे चलो दिग्विजय करना है तो महेंद्र पर्वत पे चला गया और ऐसे ही उधर बेकार कुछ काम नहीं है तो ये असुरों का स्वभाव होता है ना कुछ काम नहीं बस ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन वो महेंद्र पर्वत को सौ बार उखाड़ा नीचे रख दिया उखाड़ा रख दिया नीचे उखाड़ दिया रख दिया रख दिखा रहा है देखो मेरी शक्ति करके लेकिन भूल गया कि महेंद्र पर्वत पे परशुराम रहते तो वहां पे परशुराम जो है वो क्रोध से लाल हो गए बोले कौन है ये बंदर इस प्रकार का कार्य कर रहा है पर्वत उखाड़ रहा है करके एकदम गुस्सा हो गए तो जब इसने दिखा रहे वहां परशुराम गुस्सा हो गए करके तो परशुराम का तो जानता था बल कितना है एकदम उनके चरणों में गिर गया क्षमा करो क्षमा करो मैं आपका ऐसा अपराध आप नहीं करना चाहता था तो परशुराम बोले कि इतने क्रोध से वहां पे लिखा है परशुराम बोले हे कीट करकटी डिम्ब तू तो छोसी मशको यथ था अरे अरे कीड़े तू तो कीड़ा है कीड़ा परशुराम उसको बोले मरकटी डिंब बंदरिया के औलाद आ, क्या समझता है खुद को तेरी क्या शक्ति है मशको से एकदम अगर तुम में कुछ शक्ति है ना तो उनके पास एक बड़ा था जो त्रिपुरासुर को मारने को विष्णु ने दिया था भगवान विष्णु ने और शिवजी ने त्रिपुरा को मार के वो जब क्षत्रियों का सब संहार करना था तब इसको दे दिया भगवान परशुराम को दे दिया तो परशुराम के पास वो वैष्णव धनुष्य था मूल विष्णु से शिव को शिव से फिर इनके पास तो बोले अगर तुम में इतनी शक्ति है ना तो इस धनुष्य को सिर्फ उठा के दिखाओ तुम बाकी तो छोड़ो सिर्फ को उठा दो तुम ऐसे और अगर तुम उठा नहीं पाए तो आज खत्म तुम्हारा काम सारा बल दिग्विजय इधर एंड होगा तुम्हारा ऐसे तो बोले इसको सिर्फ उठा के दिखाओ तुम बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कम्स तो एकदम डर गया लेकिन शक्तिशाली था तो जब उस धनुष्य को देखा उसने तो धनुष्य को उठा लिया उसने उठाया नहीं उस धनुष्य को प्रत्यंचा भी चढ़ा दी उसने और प्रत्यंचा चढ़ा के उसको सौ बार ऐसा टंग टंग टांग टनत्कार बोलते हैं ना टंकार जो है कि ऐसे इस प्रकार से एकदम लेकिन हालांकि ऐसा धनुष्य को पूरा उठा के अपने शक्ति का प्रदर्शन किया जानता था कि परशुराम जी को गुस्सा नहीं करना है परशुराम जी जो है बड़े शक्तिशाली तो फिर से इस प्रकार से टनत्कार करके सबको मतलब सारे विश्व में आवाज हुआ टंकार और फिर से परशुराम जी के चरणों में गिरा और बोला कि हे देव क्षत्रिय नासमी आ, दैत्यो हम मै, मैं मैं क्षत्रिय नहीं हूँ मुझे बख्श दीजिए कृपया क्योंकि परशुराम बोल रहे थे कि मैंने तो सारी पृथ्वी को निश्च्रिय किया लेकिन तू बच गया लग रहा है आज तुझे छोड़ूंगा नहीं ऐसे तो क्षत्रियो नासमी मैं क्षत्रिय नहीं हूँ कृपया दैत्योसमी मैं तो दैत्य हूँ मुझे छोड़ दीजिए ऐसे करके ते च किंकर मैं तो आपके आपका किंकर हूँ एक्चुअली मैं आपका दास हूँ यहाँ तक कि गर्ग समित होता तव दासस्य दासो हम वहां पे वो तो मतलब दासस्य दासो दास दास दास, दास, दास बोलने लगा ऐसे तो परशुराम जी जो है थोड़े शांत हो गए ठीक है बोले ऐसे तो वो बोले ये तूने उठाया अभी तू ही रख इसको तो जो है उसको दे दिया उन्होंने और उस धनुष्य को उन्होंने दे दिया लेकिन उन्होंने एक चीज भी कहा जो इस धनुष्य को तोड़ेगा तूने तो प्रत्यंचा लगा दी ठीक है लेकिन जो इस धनुष्य को तोड़ेगा याद रखना वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा तो वही धनुष्य आप जानते हैं मथुरा में था और उस धनुर्यज्ञ के लिए ही कृष्ण को बुलाया था तो कृष्ण ने आके फिर उस धनुष्य को तोड़ दिया तो इस प्रकार से फिर वहाँ से आगे जो है और दो मिनट में, में अंत करूँगा मैं वहाँ से आके वो आगे जो सब ये कंपनी लेके अभी ऑफकोर्स परशुराम नहीं बाकी सब परास्त किए हुए परशुराम से तो बस आशीर्वाद लेके चला गया आगे समुद्र तट पर पहुंचा और वहाँ पर अगासुर सोया हुआ था एकदम अगासुर बड़ा प्रसिद्ध था असुर था तो अगुर को जाके चुनौती दिया एकदम तो अगासुर एकदम तो एक डसने के लिए जब आया उसको तो को इसने उठा लिया पूंछ से ऐसे घुमाया और घुमा के पटक दिया नीचे और फिर बोले कि ये अच्छा अच्छी माला है मेरे गले में उसको उठा गया अगासुर को ऐसे गले में माला के रूप में डाल के घूम रहा तो अगासुर भी इस तरह से परास्त हो गया अगासुर को भी सेवक के रूप में स्वीकार किया फिर उसके बाद में गर्ग संहिता कहता है प्राचाम तो बंग बंगाल में चला गया वो बंगाल में उसको कौन मिला अरिष्टासुर अरिष्टासुर जो है प्राचाम पूर्व दिशा में बंग तो बंगाल में उसको अरिष्टासुर मिला तो अरिष्टासुर भी बड़ा शक्तिशाली था बैल के समान था तो ऐसे सिंह से पर्वतों को उखाड़ देता था वो सिंह से आपने सुना होगा ऐसे कुछ जमीन उखाड़ देंगे थोड़ा वगैरह ये क्या करता था पर्वतों को उखाड़ देता था सिंह से ऐसे सिंह से पर्वत उखाड़ के कम्स के ऊपर फेंकने लगा लेकिन कम्स का रिफ्लेक्स एक्शन बड़ा स्ट्रांग था जो भी फेंका है पकड़ लेता था तुरंत और पकड़ के उसी के ऊपर फेंकता था तो अरिष्टासुर को भी ऐसे ही उसने सारे पर्वत जो फेंक रहा था उसी पर्वतों से पीट के उसने पराभूत कर दिया एकदम और मुष्टि में तो उसकी इतनी ताकत थी कि उसके मुष्टि प्रहार के सामने कोई टिक नहीं सकता था तो इस प्रकार से अरिष्टासुर भी उसका सेवक बन गया फिर पांच असुर प्रलंबासुर धेनुकासुर तृणावर्त बकासुर और पूतना पांचों को उसने एक ही जगह पे परास्त किया और वो था प्राग ज्योतिषपुर जो नरकासुर का स्थान था तो वहां पे जाने के बाद नरकासुर को चुनौती दे दिया उसने लेकिन नरकासुर के नरकासुर के अधीन थे ये सब प्रलंबा आदि पांच प्रलंबासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना और तृणावर्त तो एक एक को करके नरकासुर ने भेजा उसने सोचा ये बच्चे से कौन लड़ेगा पहले ये लोगों को लड़ तू प्रबादी तो फिर तो अगर तेरी शक्ति है तो फिर मेरे पास आना तो प्रलंबासुर गया प्रलंबासुर की धुलाई हो गई धेनुका धेनुकासुर गया उसकी धुलाई हो गई तृणावर्त की बकासुर की चारों की धुलाई कर दी कम्स ने फिर पूतना आई है करके जोर से उसको मारने के लिए पूतना को कम्स बोला देख तू स्त्री है मैं युद्ध नहीं करना चाहता तेरे साथ तो ये बकासुर मेरा भाई बन गया है तू बहना बन के रह बहना बन के रहना को बोला तू बहन बन के रहे तो क्यों मेरे साथ युद्ध करना चाहती है इन सब की स्थिति देख रहे है ना और ऊपर से मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता तो शांति से सेवक बन जा बहना बन के रहो ऐसे कहा तो इस प्रकार से ये सारे जो है उसके सेवक बन गए पांचों के पांचों फिर इतना इन लोगों को पीट डाला तो नरकासुर स्वाभाविक रूप से बोला कि ठीक है बड़ा शक्तिशाली है तो नरकासुर ने मित्रता कर ली फिर पराजय स्वीकार कर लिया अपना और वो भी सेवक बन गया इसके बाद भी बहुत दिग्विजय उसका फिर जाके योमासुर में त्रिकुट पर्वत पे गया तो बेचारा सो, सो रहा था सोने देने का लेकिन उसको लाथ मार के उठाया उठ लाथ सोता है तो योमासुर क्या युद्ध करेगा कम्स के साथ उसको भी पीट के काल यवन सब लोगों को उसने इस प्रकार से दिग्विजय कर लिया अंत में सारे दिग्विजय करके सोच रहा है मेरी खुजली गई नहीं अभी तक युद्ध की <laughs> तो नारद मुनि वहां पे तभी आ पहुँचे नारद मुनि बोले तुम बानासुर के पास जाओ बानासुर बहुत शक्तिशाली है हजार भुजाएं उसकी उसको जाके परस्त करोगे तो मानूंगा तो चला फिर शोणितपुर सबको लेके इन शोणितपुर में बानासुर के पास भी गया तो बानासुर को चुनौती दी तो बानासुर बोला कौन मच्छर है इधर आया ऐसे बानासुर बोला ये युद्ध वगैरह बाद में की बात है अभी मैं जमीन में मेरा पाँव जो है दस, उसको पाव को डालूंगा लात से मैं ज़मीन जमी, में अपना पाँव जो है रखूंगा बस बस इसको उठा उठा के दिखा को बस उठा, ऐसे तो ने ऐसी लात मारी जमीन के ऊपर तो वो जमीन से पाँव धस के उसका पाताल तक चला गया बानासुर इतना शक्तिशाली था <laughs> तो पाताल तक पाँव चला गया और ऐसे खड़ा रहा और बोला निकाल पाओ अभी कम्स को बोला अगर तुम में शक्ति है तो पाओ इसको पैर को बाहर निकालो तो तो कम्स तो बड़ा शक्तिशाली था उसने पैर बाहर जैसे ही तैयार हो गए तो शिवजी बड़े प्रेमी है बानासुर के शिवजी प्रकट हो गए वहां पे बानासुर को बोले अरे इसके साथ युद्ध मत करो नो मुफ्त में पीटे जाओगे क्योंकि इसको वरदान है बोले बहुत बड़ा वरदान है इसको परशुराम का भी वरदान है इसको कोई हरा नहीं सकता बगैर भगवान कृष्ण को तो बेटर है इससे मित्रता कर लो तुम लोग अच्छे से आनंद से रहो दोनों भी तो इस प्रकार से दोनों में मित्रता हो गई फिर बानासुर और कम्स जो है वो तो ऐसे सारे इन असुरों का उसने परास्त करके सब मंडली लेके फिर अमरावती पे अटैक किया उसने तो अमरावती का इंद्र और वहां पे फिर बड़ा वृत्तांत है उसने सबकी धुलाई कैसे की सारे देवताओं की उसका भी बड़ा रोचक वृत्तांत है सबको परास्त करके देवताओं को वहां से इंद्र का आसन उठा के लेके आ गया वो। और उसको मथुरा में रखा उस पर बैठता था वो इंद्र के आसन बोला मुझे तो अमरावती भी नहीं चाहिए तेरा आसन मैं इधर मथुरा में रख के बैठूंगा मुझे कुछ रुचि नहीं है उस उधर स्वर्ग में रहने को तो इस प्रकार से तो ये ऐसे सारे असुरों को उसने परास्त किया दिग्विजय किया तो इन सारे असुरों को भगवान की लीला में किस प्रकार से अवसर प्राप्त हुआ ये प्रश्न हो सकता है है कि नहीं ये सारे तो असुर थे तो ये भगवान की लीला में कैसे आए तो इसके पीछे भी हर एक के वृत्तांत है ब्रह्म वैवर्त पुराण विष्णु पुराण गर्ग संहिता इसमें हर एक असुर का पिछले जन्म का इतिहास है उनको वरदान मिला उनको शाप मिला उसके कारण वे कृष्ण की लीला में आ पाए नहीं तो केवल असुर है तो कृष्ण की लीला में मतलब किस कारण वो जो है कृष्ण की लीला में आ पा रहे तो ऐसा हर एक का इतिहास है प्रलम केशी और बकासुर वो दुर्वासा के शिष्य थे और एक अपराध के कारण शिव जी का वरदान और शाप मिला उससे वे जो है प्रलम केशी और बकासुर बने पिछले जन्म में दुर्वासा के शिष्य थे एक्चुअली उसी प्रकार से पूतना रत्नमाला थी आप जानते हो नहीं फिर अगासुर जो है वो शंखासुर शंखचूड़ का पुत्र था लेकिन अष्टावक्र के ऊपर हंसा ये अगासुर बहुत सुंदर व्यक्ति था और जब अष्टावक्र आए तो आठ जगह भंग गए उनका उस पर हंसने लगा है करके बोलने लगा ये कितना कुरूप व्यक्ति है देखो इसमें तो अगर इसने अष्टावक्र ने कहा अच्छा मैं इतना कुरूप हूँ तो ठीक है तू सर्प बन जा तू ही कुरूप हो जा तो ऐसे अगासुर जो है सर्प बन गया लेकिन साथ ही साथ अष्टावक्र ने वरदान भी दिया जब वो क्षमा याचना करने लगा कि भगवान को जब तू निगल जाएगा तब तेरी मुक्ति हो जाएगी एक बार तू भगवान को निगल निगल लेगा तो इस प्रकार तो ऐसा हरेक का है कालिया वेदशीरा था कागभूषुंडी जो है वो अश्वशीरा था सब सबका कथा है और उसके कारण वे कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं उनको सम्मिलित होने का ये मिला तो ये मैं कुछ इतिहास से भी बताना चाहता था ठीक है यहाँ पे रुकते हैं ग्रंथराज भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद